नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों के साथ। साउथ कश्मीर के शोपिया में कश्मीरी हिंदू पूरन कृष्ण भट्ट को हत्या के लगभग 60 घंटे के भीतर ही आतंकियों ने एक और बड़ा दुस्साहस करते हुए बाहरी राज्य के श्रमिकों को निशाना बनाया है। वहीं आतंकियों ने शोपिया के हरमेन में रह रहे श्रमिकों के कमरे के भीतर ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें कि कनौज उत्तर प्रदेश के दो श्रमिकों की मौत हो गई और इस हमले में मारे गए दोनों श्रमिकों की पहचान मुनीश कुमार और राम सागर के रूप में की गई है। इस हमले के कुछ ही घंटों के बाद सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के हाइब्रिड आतंकी इमरान बशीर गनई और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कश्मीर के एडीजीपी विजय कुमार ने भी इसकी पुष्टि की है और श्रमिकों पर ग्रेनेड इमरान बशीर ने ही फेंका था, जिससे कि पूछताछ जारी है और आतंकियों ने इस वारदात को देर रात करीब 12:30 बजे तक अंजाम दिया था, जब श्रमिक दिन भर तिहाड़ी लगाने के बाद रात को अपने कमरे में सो रहे थे। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस व स्थानीय लोगों ने खून से लथपथ घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं जम्मू कश्मीर के विभिन्न सियासी दलों ने भी इन हमलों की कड़ी निंदा की है। जिसे हम लोग देखे, आप लोग देख रहे हैं, तिरपाल हटा के सी जी आई सीट के अंदर से ग्रेनेड थ्रो किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के दो मजदूर थे मारे गए और उसमें से जो थ्रो किया ग्रेनेड किया हैवी टेररिस्ट है और उसको हम लोग रात में ही पकड़ लिए। और बहुत सारे ऐसा एविडेंस मिला है जिससे प्रूव होता है कि उसने ग्रेनेड थ्रो किया है, उन्होंने कन्फेस भी कर लिया है। बाकी उसके साथ जो भी और लड़के साथ चलते हैं उसको भी अरेस्ट किया गया है और हम लोग कोरोना सर्च जो हाईडोट बता रहे हैं वहाँ सर्च कर रहे हैं और बहुत जल्दी जो मेन कल्पित टेरिस्ट जो है जिसके लिए काम करता है ये लश्कर तैयबा का दानिश हो गया, चाहे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कमांडर आबिद हो गया, इसको भी जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। सर कितने अरेस्ट हुए हैं अभी तक? अभी तो 2 अरेस्ट हुए हैं। देखिए, जैसा आप सब जानते हैं कि जो आउटसाइड लेबर जो होते हैं ये सब टारगेट है, इनके पास कोई सिक्योरिटी है नहीं यहाँ पर। तो इस टाइप का जो घिनौना जो कराना हरकत किया है उसको उसी टाइप का हम लोग जवाब देंगे, उसको अरेस्ट करेंगे और पूरा प्रूफ करके ऑनरेबल कोर्ट में पेश भी करेंगे, आप लोग भी एविडेंस शेयर करेंगे और जो हार्डकोर टेररिस्ट उसको न्यूट्रलाइज करते आ रहे हैं और जल्दी उसको भी कर देंगे। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि भी आज सुबह ही कश्मीर के अंदर वहीं छुपैया में जहाँ पहले भी हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों का बेरहमी से मिलिटेंटों द्वारा कत्ल किया गया, मारा गया, कुछ शहीद किया गया, आज भी सुबह जब जो लेबर जो थे बेचारे यूपी के जो दो लोग वो सोए हुए थे तो उनको मिलिटेंटों ने आज शहीद कर दिया है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि सरकार से अभी तक ये संभला नहीं जा रहा, खास करके छुपैया का इलाका, जबकि पता है कि बार बार वहीं पर किलिंग हो रही है और सिक्योरिटी इंतज़ाम मुझे लगता है कि भी सरकार सोई हुई है और ये सरकार जो किलिंग जो हो रही है इसके लिए सरकार दोषी है और होम मिनिस्टर दोषी है और हम चाहते हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्यों बार बार शुपैया जैसे इलाके में ही हिंदुओं की और पर्टिकुलर टारगेट जो किलिंग हो रही है वो बंद होनी चाहिए और सरकार को इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए और दोषियों को पकड़कर जल्द से जल्द उनको सजा देना चाहिए। ऐसा लगता है कि सरकार फेल हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर में। तो आम आदमी पार्टी जो समझती है कि केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो केंद्र सरकार के रिमोट से द्वारा चलाई जा रही है, एलजी रिमोट के केंद्र के रिमोट से द्वारा चलाए जा रहे हैं, वो सिक्योरिटी फ्रंट पे पूरी तरीके से फेलियर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता को उनकी जान माल की सुरक्षा मुहैया कराने में फेलियर रही है। तो आम आदमी पार्टी ये समझती है कि केंद्र सरकार को इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लेके जम्मू कश्मीर के लोगों की जान माल की हिफाजत करने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए और वहाँ पे जो एक भय का माहौल बना हुआ है कश्मीर घाटी के अंदर। कल ही फारूक अब्दुल्ला का बयान आया था कि ये टारगेट किलिंग नहीं रुकेंगी। इस तरह की बयानबाजी से मुझे तो लगता है कि मिलिटेंट्स को प्रवोक किया जाता है, ये गलत है। ये बीजेपी पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि न्याय नहीं मिला, 3 पीढ़ियां आपकी राज कर गई, आपकी सरकारों में यहाँ पर माइग्रेशन हो गई, 33 साल लगातार मिलिटेंसी रही और आपको कसूर इसका लगता है। आज सुरक्षा बलों पर ये सवाल उठाया जाता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने इतने अपने बलिदान दिए उसके कारण से कश्मीर की परिस्थितियाँ सुधरी हैं, हालात सुधरे हैं, लेकिन इस प्रकार की बातें करना गलत है। मैं उन मजदूरों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ
देखिए, इन पर लगाम लगाना जरूरी है। ये स्वाभाविक बात है कि इनको ये अच्छा नहीं लगता, एक फ्रस्ट्रेशन है और फ्रस्ट्रेशन के कारण से इस प्रकार की बयानबाजी और इस प्रकार की बातें करते हैं। की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट यानी कि एसआईयू ने आज साउथ कश्मीर के पुलवामा जिले में आईडी मामले को लेकर कई स्थानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि एसआईयू ने इस साल अगस्त में 30 किलो आईडी की बरामदी के संबंध में पुलवामा के जंदवाल, आर्मुल्ला और निरोला और बंजू गांव में छापे मारकर अपनी जांच को आगे बढ़ाया था और इस मामले में पहले ही कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जा चुका है। और आपको बता दें कि आईडी वजन लगभग 25 से 30 किलोग्राम था, जिसे पुलिस और सुरक्षा बलों ने पुलवामा में सर्कुलर रोड पर ताहिब क्रॉसिंग के नजदीक ही बरामद किया गया था। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोके जाने से नाराज टैंकर ऑपरेटर्स ने कश्मीर से लद्दाख तक ईंधन की सप्लाई बंद कर दी है। वहीं पिछले 3 दिनों से जम्मू से कश्मीर और लद्दाख के लिए कोई भी टैंकर पेट्रोल, डीजल और गैस लेकर नहीं गया है, जिस कारण वहां पर अब पंप व गैस स्टेशनों पर ईंधन की कमी होने लगी है। वहीं ऑल जे एंड के ऑयल टैंकर्स ओनर एसोसिएशन के बैनर तले जम्मू में आज जोरदार प्रदर्शन किया गया। वहीं एसोसिएशन का कहना है कि हाईवे पर उन्हें कुछ ऐसी जगहों पर रोक दिया जाता है जहां बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है, और अगर अब भी सरकार उनकी मांगों का हल ना निकाल पाई तो ये हड़ताल खत्म नहीं होगी। ये काफी सालों से तो हमने बार बार सरकार से गुजारिश की कि हमारी गाड़ियां जो हैं बनाल तक शिफ्ट कीजिए। बनाल 1000 गाड़ी की वहां व्यवस्था है, वहां से हमें ट्रकों से 2 घंटे पहले छोड़ देंगे, हमारी गाड़ी 4 घंटे में जम्मू आ जाएगी। मगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी और हमें मजबूरन हड़ताल पे जाना पड़ा, क्योंकि काजीकुंड में हमें बहुत मुश्किलात आ रही है। वहाँ बाथरूम नहीं है, पीने का पानी नहीं है, राशन नहीं मिलता वहाँ, और हमें बहुत बहुत तकलीफ है वहाँ। हमने सरकार से ये आग्रह किया कि हमें कम से कम बनाल तक छोड़िए, बनाल से हम ट्रकों से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ट्रकों में लोड ज़्यादा होता है, उसकी वजह से हमारे एम्प्टी टैंकर होते हैं, खाली टैंकर आते हैं, उसके पीछे हमें 3-3 दिन जम्मू पहुँचने में लग जाते हैं। मगर इतनी जिदोजहद, इतनी आपके मीडिया के माध्यम से सरकार तक आवाज़ पहुँचाई, मगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हमें हड़ताल पर जाना पड़ा और परसों से आज तक हम हड़ताल पर हैं। अगर सरकार ने हमारी बात अभी भी नहीं मानी तो हम कंटिन्यू हड़ताल पे चले जाएंगे। जो हमारे लोअर मुंडा में पार्किंग थी, वहाँ से हमारे ड्राइवर कहते हैं कि हमें बनाल में पार्किंग होनी चाहिए, और जब ट्रक छोड़ते हैं तो हमें पहला छोड़ने चाहिए जैसे पहले होता था। उसी की वजह से इन्होंने अभी 2-4 दिन ऐसे किया, जिसकी वजह से हमारे ड्राइवर हरासमेंट हो गए और विड्रा हो गए वहाँ पे। उनकी विड्रा होने से जो हमारे जम्मू 3 डिपो हैं, ये ड्राइवर भी एकता होकर विड्रा हो गए, और श्रीनगर में भी 3 डिपो ड्राइवर जो है विड्रा हो गए। उसकी वजह से श्रीनगर की सप्लाई की भी प्रॉब्लम है, जम्मू की भी। और ये देख लो कि टमाटर मोर में जो हमारी गाड़ियां खड़ी हैं, उन्होंने भी उनकी सपोर्ट में वहां पे विड्रा हो गए। तो ये मैम प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। कल अगर जे एंड के स्टेट में सप्लाई की प्रॉब्लम आएगी, उसके लिए रिस्पांसिबिलिटी सरकार है। हमारा कोई बड़ा इशू नहीं, सिर्फ इशू इतना सा है कि हमें लिख के दे दें कि जो बनाल में है वहाँ पे पार्किंग जो है वो ड्राइवरों को मिल जाए, वहाँ पे आईजी ट्रैफिक और एसएसपी ट्रैफिक और कंसर्न डीसी साहब वहाँ पे जाए, 2-4 ड्राइवरों को लेके जाए वहाँ पे, भाई ये आपकी पार्किंग है, बात खत्म, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सेवा सिंह बाली ने अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। सेवा सिंह बाली पिछले काफी समय से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, जिन्होंने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वह उनके सहयोगी कई उम्मीदें लेकर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन पार्टी की सीनियर लीडरशिप उनके साथ किए गए किसी भी वादे पर खरा नहीं उतर पाई है, जिसके चलते वो इससे अपनी राहें जुदा कर रहे हैं। आज हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन कारण जो है, आज हम आम आदमी पार्टी से रिज़ाइन कर रहे हैं, और जिस तरीके से हम आम आदमी पार्टी में गए थे लोगों के मुद्दों को लेकर एक उम्मीद के साथ, तो हमें वहां पर ऐसा महसूस हुआ कि वहां पर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, और जो लोगों की उम्मीद को लेकर आम आदमी पार्टी में हम गए थे, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडरशिप ने हमसे कमिटमेंट किया था, वादे किए थे,
उस पर आम आदमी पार्टी खरा नहीं उतरी, तो हमने तमाम साथियों से ये राय लेकर ये फैसला किया कि आज हम आम आदमी पार्टी से इस्तीफा पेश कर रहे हैं। जम्मू के लिए अलग विश्वविद्यालय और कृषि विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के मुद्दे पर वर्ष 1966 में हुए आंदोलन में शहीद हुए चार विद्यार्थियों को आज जम्मू में आज भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इन चारों की याद में जम्मू के साइंस कॉलेज के बाहर बनाए गए शहीदी स्थल छात्र संगठनों के अलावा कई सियासी दलों के नेताओं ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और आपको बता दूं कि साल 1966 में विद्यार्थियों के आंदोलन में पुलिस की गोली में चार विद्यार्थी ब्रिजमोहन शर्मा, सुभाष चंद्र, गुलशन हांडा और गुरचरण सिंह शहीद हो गए थे। दिवस मनाया जा रहा है यहाँ, ये उन शूरवीरों की याद में है, उन शहीदों की याद में है जिन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, जिन्होंने यहाँ जम्मू के विद्यार्थियों को सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए अपना बलिदान दिया ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें, उन्हें बेहतर तालीम मिल सके, एजुकेशन मिल सके और बेहतर फैसिलिटीज़ मिल सके। उनका ये बलिदान हमेशा हमेशा याद रहेगा। यहाँ सैकड़ों की तादाद में बल्कि हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट लीडर्स आते हैं और अपनी श्रद्धांजलि उन शहीदों को देते हैं जिन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया। आम आदमी पार्टी के केंद्र नेतृत्व द्वारा गठित की गई कार्यकर्ताओं की एक टीम को आज उसकी जिम्मेदारियां सौंप दी गई। वे जम्मू में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी नेता ओपी खजूरिया ने इस टीम में शामिल सदस्यों को उनकी जिम्मेदारियां सौंपते हुए उम्मीद जताई कि वो पार्टी के केंद्र नेतृत्व के विश्वास पर खरा उतरते हुए जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी को बुलंदियों पर ले जाने में सफल होंगे। आज केंद्रीय नेतृत्व ने जम्मू कश्मीर के जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता थे, जो कर्मठ वॉलंटियर्स थे, उन पर एक विश्वास जिता के एक बहुत खूबसूरत टीम का गठन किया है जो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर एक बेहतर राजनीतिक विकल्प देने में सक्षम होंगे। उन सभी लोगों को जो सक्षम कार्यकर्ता थे उनको अपनी अपनी जिम्मेवारियाँ सौंपी गई हैं। मैं केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से सभी साथियों का दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में उनके बेहतर भविष्य के लिए, जम्मू कश्मीर के बेहतर भविष्य के लिए आम आदमी पार्टी संगठित होकर जम्मू कश्मीर में काम करेगी और आने वाले विधानसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर अगर कोई आवाज़ गूंजेगी तो वह आम आदमी की आवाज़ गूंजेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एससी विंग के जम्मू सूबे के जिला प्रधानों व सचिवों की एक बैठक आज जम्मू में बुलाई गई। वहीं पार्टी के संभागीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता की अगुवाही में आयोजित इस बैठक में चुनाव विभाग वोटर लिस्टों में किए जा रहे संशोधन पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा एससी समुदाय को पेश आ रही दिक्कतों को भी इस बैठक में जोर शोर से उठाया गया। जम्मू कश्मीर के हालात जो बने हुए हैं उस पर आज सोच विचार होगा और ये जो एक स्पेशल वोटिंग बन रही है, स्पेशल रिवीजन जो हो रही है, स्पेशल समरी रिवीजन वोटिंग लिस्टों की जो हो रही है उसके बारे में इनके साथ बातचीत होगी। ये कहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि यहां पे सबसे बड़ा खदशा जो था वो ये था कि भाई बाहर के वोटर जो हैं वो उनको यहाँ पे रजिस्टर किया जा रहा था और तादाद उसकी 25 लाख के करीब बताई थी इन्होंने, जिसकी वजह से तुम्हारे जम्मू कश्मीर के अंदर एक हलचल सी पैदा हो गई कि बीजेपी वालों की ज़मीन पाँव के नीचे से निकल गई है, शायद ये बाहर के वोटर ला के यहाँ पे अब हुकूमत करना चाहते हैं। तो उसी सिलसिले में आइए इनसे हम पूछेंगे, उसी सिलसिले में ये रिव्यू करेंगे पोजिशन के कहाँ तक पहुँची है और उसके अलावा जो दूसरे शेड्यूल कास्ट के जो मसाइल हैं
जम्मू कश्मीर के अंदर, उनके बारे में भी आज जम्मू में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं जम्मू के एसएमजीएस अस्पताल के पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर जीएस सैनी ने बताया कि इस समय जम्मू में 300 से अधिक डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं और उनका इलाज भी चल रहा है। इसके साथ ही डेंगू के 500 से अधिक संदिग्ध मामले भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक डेंगू के चलते किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। वहीं डॉक्टर जीएस सैनी ने बताया कि डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है और अस्पताल में डेंगू से निपटने के लिए हर तरह की व्यवस्था की गई है। हमारे हॉस्पिटल में 300 से ज़्यादा डेंगू पॉजिटिव पेशेंट एडमिट हुए हैं, सस्पेक्टेड जो 500 से ऊपर हैं, पर इसमें ये है, अच्छी बात यह है कि अभी तक फॉर्चुनेटली कोई डेथ नहीं हुई है। हम सभी पेशेंट को मैनेज कर रहे हैं, सारी टेस्टिंग यहाँ पे फ्री हो रही है और प्लेटलेट भी कुछ पेशेंट्स को दिए गए हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं, सारे फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल हैं। क्योंकि हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं, डीकंजेस्ट कर रहे हैं, हमने एक डेडिकेटेड वार्ड का एक सेक्शन बनाया हुआ है, वो अलग रखा हुआ है, पर हमारी पूरी कोशिश है जो बच्चे बहुत सीरियस हैं उनको इमरजेंसी में रख रहे हैं, उसके बाद उनको स्टेप डाउन वार्ड में ऊपर ले रहे हैं और जैसे ही बच्चे थोड़े जैसे इम्प्रूव कर जाते हैं हमको उनको प्रॉपरली डिस्चार्ज भी कर रहे हैं। इस पर ये ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा बुखार हो जिसमें डेंगू सस्पिशन है तो उसमें घबराना नहीं है, ये ध्यान रखें कि बच्चे का जो फ्लूइड इंटेक है वो एडिक्वेट रहे, अच्छा खूब पानी लें, उसमें नारियल पानी, जूस, नींबू पानी, ORS वगैरह दीजिए और पैरास्टामोल का ही प्रयोग कीजिए। और ये ध्यान रखना है कि ये जो बुखार टूटने के बाद जो एक दो दिन होते हैं वो थोड़े से सिग्निफिकेंट होते हैं, उस दौरान कोई प्रॉब्लम होने का खतरा रहता है, तो उस दौरान अगर किसी को ब्लीडिंग होती है या कोई बच्चे को ठंडा हो जाता है या चक्कर आने लग पड़ते हैं या पेट दर्द हो जाती है या वोमिटिंग होती है, ये वार्निंग साइन है, ऐसे वार्निंग साइन हो तो हमें वहाँ पे बच्चों को हॉस्पिटल लाना चाहिए और उनकी अपीलें लेनी चाहिए। जम्मू में बढ़ते डेंगू के मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है और बिश्ना के उप जिला अस्पताल में भी डेंगू के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। वहीं उप जिला अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक बिश्ना में 100 बुखार के मरीजों में 10 मरीज डेंगू के सामने आ रहे हैं। वहीं BMO की तरफ से भी बताया गया कि बिश्ना डॉक्टर शमीम चौधरी ने बताया कि अस्पताल में डेंगू से निपटने के लिए हर तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को डेंगू की बीमारी के प्रति भी जागरूक कर रही है। उन्होंने लोगों से डेंगू से सतर्कता बरतने की अपील की है। लगभग हम 100 में से कोई 10 पेशेंट डेंगू पॉजिटिव आजकल आ रहे हैं, उनमें से मैक्सिमम पेशेंट हम यहीं ट्रीट कर रहे हैं और रेफरल भी बड़े कम कर रहे हैं हम जम्मू में। सर, इसके जितने केस क्या सर, इसके क्या क्या गाइडलाइंस हैं, लोगों को किस तरह का ध्यान है? लोगों को घर में अपने साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए, घर में कोई भी खड्डे हों या गमले होते हैं पानी घर में इकट्ठा नहीं होने देना है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना, कपड़े पूरे प्रॉपरली पहने, फुल बाजू वाले कपड़े पहने, हाफ बाजू वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसमें सितंबर अक्टूबर के सीज़न में ज़्यादा एनोफिलीज मच्छर के कारण जो होता है और इसमें जो फ्रेश वाटर लॉगिंग जहाँ जहाँ पे होती है वहाँ पे इस मच्छर का ग्रोथ होता है, इसके कारण जो है डेंगू काफ़ी फैलता है और इस दौरान में हर सीज़न में पिछले बार भी आया था, इस बार भी काफ़ी ज़्यादा इसका जो है फैलाव हुआ है और काफ़ी केसेस निकले हैं हमारे तो पर्टिकुलरली गंग्याल और लसवाड़ा एरिया में जो केसेस आए हैं डेंगू के। अभी तक तो सभी केसेस जो हैं वो ठीक हैं, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन वाला केस नहीं हुआ है। बहरहाल क्योंकि इसकी रुकावट ज़रूरी है, इसको रोकना ज़रूरी है, तो इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस भी ज़रूरी है। उसके लिए हमारे जो मलेरिया टीम्स हैं, जो हमारे हेल्थ की टीम्स हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, पब्लिक अपनी मांगों को लेकर घाटी में तैनात जम्मू के रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज द्वारा प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है।
आज भी इन मुलाजमों ने ट्रांसफर पॉलिसी सहित अन्य मांगों को लेकर 140वें दिन भी प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे इन मुलाजमों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है, लेकिन मौजूदा सरकार उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इन मुलाजमों का कहना था कि वो सरकार के केवल जान की सुरक्षा मांग रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी इस मांग की लगातार अनदेखी कर रही है। 140 दिन हो गया हमें यहाँ पर बैठे हुए, रास्ते पे बैठे हुए, और अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। कोई हमें पूछे कि मांग क्या रहे हैं, अपनी जान की, अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। और वहाँ वो कश्मीरी पंडित, वो भी अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। और मैं कहती हूँ, जिस तरह से वहाँ पर लाशों के ढेर यहाँ जम्मू में आ रहे हैं ना, आने वाला टाइम, आने वाला वक्त दूर नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहती हूँ कि जो आप हिंदुत्व के बड़े बड़े दावे करते हो ना, फिर आप खुद कहोगे कि भाई दीपावली मनाने वाले यहाँ पर है ही नहीं है जम्मू में। फिर ये मत कहना कि जम्मू के लोगों ने दीपावली नहीं मनाई, क्योंकि जब परिवार का एक सदस्य मरता है ना, तो उस परिवार के, ना कि वो परिवार, उसके रिश्तेदार भी आने वाले 4 साल तक कोई त्योहार नहीं मना पाते। तो मुझे लगता है जिस तरह की लाशें वहां से आ रही है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में यहाँ पर कोई दीपावली मनाएगा। भाजपा कश्मीर डिस्प्ले डिस्ट्रिक्ट की ओर से जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में टारगेट किलिंग का शिकार कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या की निंदा की गई। वहीं भाजपा कश्मीर डिस्प्ले डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष चांदजी भट्ट ने जहां पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या की निंदा की, तो वहीं टारगेट किलिंग को लेकर सरकार से कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मुहैया करवाने की भी अपील की। वहीं उन्होंने सरकार से मृतक पूरन कृष्ण भट्ट के बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए मुआवजा और परिवार के पालन पोषण के लिए मृतक की पत्नी को नौकरी देने की मांग की। जनता पार्टी कश्मीर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से मैं ये कंडेम करता हूं कि 15 तारीख के दिन हमारे एक विस्थापित समाज के एक आदमी को कश्मीर में मारा गया, और जिसका नाम पूरन कृष्ण भट्ट था। वो चौधरी गुंड शुपियान में वो रहते थे। उस गांव में 5-6 घर और कश्मीरी पंडितों के हैं। इसके अलावा उसके आसपास जितने भी गांव हैं, वहां पर भी हमारे समाज के बहुत सारे लोग रहते हैं। मैं इसको, इस चीज़ को कंडेम करता हूं, अपने संगठन की तरफ से, अपनी तरफ से भी इसको कंडेम करता हूं। साथ में मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी लोग उधर अभी रहते हैं, उनकी सुरक्षा जल्द से जल्द हो, ताकि वो सेफ रहे वहां पर। दूसरा, जो इस पूरन कृष्ण भट्ट की फैमिली है, इसमें एक 6th क्लास में एक बेटी पढ़ती है और 4th क्लास में इसका बेटा पढ़ता है। मैं सरकार से, अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करता हूं, इनके बच्चों को शिक्षा के लिए सरकार की तरफ से कोई ना कोई मदद मिलनी चाहिए। साथ में जो इसकी मिसेज है, उनको भी सरकार की तरफ से गवर्नमेंट नौकरी मिलनी चाहिए। उसके अलावा एस्क्रेशा पेमेंट भी इनको जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। इस परिवार को हुए कम से कम 32 साल कश्मीर में, 32 साल से ये जम्मू नहीं आए या विस्थापित नहीं हुए, इसलिए इन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर एज ए माइग्रेंट नहीं की है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी रजिस्ट्रेशन हो जम्मू में, जो हमारा आरसी ऑफिस इधर जम्मू में है, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी एज ए माइग्रेंट इनकी रजिस्ट्रेशन हो, ताकि इनको हर महीने रिलीफ मिले। जम्मू कश्मीर में डिपार्टमेंटल स्टोर्स में सरकार द्वारा बियर की बिक्री को हरी झंडी देने का विरोध जारी है। वहीं विभिन्न सियासी पार्टियों द्वारा जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में सरकार के इस आदेश के विरुद्ध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। वहीं अखनूर में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा फुवारा चौक में विरोध प्रदर्शन किया गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी। वहीं प्रदर्शन की अगुवाही कर रहे कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के बजाय युवाओं को नशा परोस रही है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार इस आदेश को वापस नहीं लेती, कांग्रेस द्वारा प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। एक फैसला लिया डिपार्टमेंटल स्टोरें दे अंदर बीयर बेची आ आहां उहदे विरोध विच अज पीसफुल एक प्रोटेस्ट किया है। तां उहदे वास्ते की है कि जिहड़े साडे नौजवान बच्चे ने उहदे भविष्य दी अज बच्चा अगर
स्कूल जा रहा, कॉलेज जा रहा, या कोई कारोबार वास्ते छोटा बच्चा जा रहा है, वो कोई करैने की दुकान उपर अगर उसी बच्चे की बीयर की बोतल मिली जा तो वो मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं, जरूर 50% सारे बच्चे पैरा असर पो। आज विरोध में अजय जो प्रदर्शन करा रहे हैं, ये जरा गौरमेंट की फैसला वापस लेना चाहिए। अह बच्चे के भविष्य वास्ते रोजगार की कोई योजना बनानी चाहिए, इंप्लायमेंट वास्ते कोई योजना बनानी चाहिए, इंप्लायमेंट वास्ते होनी चाहिए, हेल्थ वास्ते होनी चाहिए, एजुकेशन वास्ते होनी चाहिए। लेकिन इस बीजेपी सरकार ने आ मुबारकबाद दें इस बीजेपी की, इन्हें जोड़ा अपना फुल फॉर्म जी अज डिकलेयर करी दी है, बीजेपी का मतलब है बीयर जम के पियो। बागवानी विभाग के जॉइंट डायरेक्टर सुभाष चंद्र शर्मा ने बिश्ना के गांव सिकंदरपुर का दौरा कर जहां पर बागवानों के सब्जी उत्पादकों के साथ ही मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने इन किसानों को पेश आ रही समस्याओं का संज्ञान लेते हुए सरकार व विभाग की तरफ से उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस इलाके के किसानों ने हाल ही में सरकार पर उनकी सूद न लेने का आरोप भी लगाया था और हमारे चैनल द्वारा उनकी व्यवस्था को उजागर करने के बाद विभाग भी हरकत में आ गया है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनको इनकी सहायता पे सदैव साथ रहता है, इनको जो भी नई टेक्नोलॉजी के वो हम देते हैं, इनको जो भी असिस्टेंस चाहिए होती है, इनको नई बनकी के बीज, जहाँ इनको कौन सा खाद इस्तेमाल करना है, किस समय करना है, टाइम से टाइम इनको हम सारी ट्रेनिंग्स करवाते रहते हैं। मैं सभी किसान भाइयों से उम्मीद करता हूँ कि ये सारे के सारे किसान भाई अभी आने वाली रबी फसल में कनक का अपना जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल को इंश्योरेंस करवाएंगे और उसका रिस्क कवर लेंगे। इन्हें सानू मते सारियां मतलब चीज़ां दसियां जी जिंदे कोल अस अज तक वंचित हे, और इन्हें सानू ये भी दस्सिया कि आरगैनिक खेती कियां कीती जांदी, ऑर्गेनिक खेती पर जोर देने आस्ता इन्हें कि मैं पहले भी आखे दा हा तो, और इन्हें बड़े अच्छे तरीके करना सानू समझाया और इन्नी खुशी हुई कि जड़ियाँ सारे को त्रुटियां रही दी हियां तो वो अज सारियां मती सारियां पूरियां हुई हैं, और ये फसल की चलाने आस्ता के करना चाहिए के जरूरी है के गल होंगी अज इन्हें मती सारियां सारियां जड़ियाँ खामियां हियां वो कड़ियां। एग्रीकल्चर का जिस तक तलक है एग्रीकल्चर दती सारिया चीज़ा अज अं इंदे कोला सीखियां और बड़ा अच्छे तरीके इन्हें समझाया सानू, और अस चाहते हैं कि दोबारा भी ये साढ़े कोल आंदे रहन, कहना कुतै जिल्लै इंदे कोल इक क्योंकि वक्त तो होंदा नहीं, मते सारे टूर होंदे, फिर भी जिल्लै कुतै वक्त लग्गा ते साढ़े कोल आउन ते दाना सानू आनी है ते थोड़ा बहुत गाइड करदे रहन ते साढ़ा। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।